सफर वही रास्ते मेरे सामने वही दश्त है मेरा हम सफर वही रास्ते मेरे सामने जहां चलते चलते हजारों लाखों करोड़ों लोग मरे हुए मेरे रास्ते में पड़े हुए मेरी वापसी के हैं मुंतजिर वही दश्त है मेरा हम सफर वही रास्ते मेरे सामने जहां चलते चलते हजारों लाखों करोड़ों लोग मरे हुए मेरे रास्ते में पड़े हुए मेरी वापसी के हैं मुंतजिर मुझे इस सफर के खरूज पर वहां उनसे मिलना जरूर है जो निकल के कैदे बदन से अब मेरे आसपास खड़े हुए मेरी जिंदगी से डरे हुए मुझे रोज कहते हैं लौटा मैं मोहब्बतों के मुहास पर वहां तुमसे मिलने की आस पर यहां मुब्तलाए अजाब हूं अभी मुंतजिर हूं निजात का वो जो तुमने मुझसे कही कभी उसी तुमसे मिलने की बात का कभी मौत इश्क से कह उठे मेरी बात सुन मेरे पास आ मुझे सिर्फ तेरी तलाश है वही दश्त है मेरा हम सफर वही रास्ते मेरे सामने आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहना चाहता हूं आवाज की और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों जो जहां भी रहे मुस्कुराता रहे प्यार के अमन के गीत गाता रहे मेरे देश का हर एक नौजवान चांद तारों की तरह चकमकाता रहे और हक का ये सब जहलाली परचम हमेशा यूं ही लहलाता रहे उमर भट्ट शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बाबर अली लव यू टू आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स होने चाहिए जब ये मेरा लाइव सेशन खत्म हो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर ये आपके दिल की तर्जुमानी करे जाहिद रांझा साहब शुक्रिया जानते हैं दोस्तों सबसे जानलेवा नशा क्या है सबसे जानलेवा नशा किसी इंसान की लत लग जाना है क्योंकि हर नशे का मुतबादल आपको बआसानी मिल सकता है मगर किसी इंसान के छोड़ जाने पर उसका मुतबादल मिल जाना नामुमकिनात में से है जानते हैं दोस्तों दुनिया का सबसे जानलेवा नशा क्या है किसी इंसान की लत लग जाना शुक्रिया मुस्तफा साहब शुक्रिया वकार कबूलियत और मकबूलियत में से हमेशा कबूलियत का इंतखाब करो जो मकबूल हो जरूरी नहीं कबूल भी हो लेकिन जो कबूल हो उसे मकबूलियत की हाजत नहीं रहती क्या कहते हो दोस्तों सलमान खान साहब शुक्रिया अक्सा मुगल शुक्रिया कबूलियत और मकबूलियत में से हमेशा कबूलियत का इंतखाब करो जो मकबूल हो जरूरी नहीं वो कबूल भी हो लेकिन जो कबूल हो उसे मकबूलियत की हाजत नहीं रहती दोस्तों शुक्रिया राणा आसिफ साहब जो जज्बे दिल की जमीन में जन्म लेते हैं उनकी जड़ें रूह की गहराइयों में दफन होती हैं हम उन्हें जितना भी काट दें कुचल दें उनकी जड़ें हमेशा जिंदा रहती हैं इसलिए अगर कोई जज्बा अगर आपके दिल में जन्म ले ले तो ये एक सआदत है एक इबादत है एक सच्चाई है एक रंग है एक उमंग है एक सोच है एक जाविया है एक रास्ता है एक लगन है एक सच्चाई है शुक्रिया शाहिद साहब अगर लोगों को आप इज्जत देना चाहते हो ना और माफ करना चाहते हो दोस्तों और ये आपकी कमजोरी है कि आप लोगों को माफ कर देते हो इज्जत देते हो
तो आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन इंसान हो। याद रखिएगा ये बात, अगर माफ करना आपकी कमजोरी है तो आप दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान हो, और अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हासिल करना चाहते हो तो लोगों को माफ कर दिया करो, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो वो दिखाई देते हैं, लोग वो होते हैं जो वो दिखाई नहीं देते अपने ऊपर ढाल, चेहरे पर चेहरा, चेहरे पर चेहरा। इसी पर इकबाल ने कहा था कि दो रंगी छोड़ दे या करंग हो जा, या तो फिर मोम या फिर संग हो जा, मगर इंसान यह हजरत इंसान दो रंगी नहीं छोड़ते। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन दोस्तों का जो दिल बना रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो अपने होने का एहसास दिलवा रहे हैं। बाबर साहब शुक्रिया, सुफियान थैंक यू दोस्त। कभी कभी खिजां दरख्तों पर ही नहीं हमारे वजूद पर भी उतरती है, लेकिन इस खिजां का हमारे सिवा किसी को पता नहीं चलता। कभी कभी खिजां सिर्फ दरख्तों पर नहीं उतरती दोस्तों, हमारे वजूद पर भी उतरती है। सबसे बुरा वक्त इंसानी हयात का उस वक्त होता है जब लोग दलील से नफरत करने लगें। खुदा ना करे कि हमारे वक्त मुल्क में कभी वो वक्त आए, मगर अफसोस के इस वक्त भी दलील की, इल्म की, लॉजिक, मंतक, इन बातों को कोई नहीं मानता। शायद सबकी एक अपनी ही, हर एक के पास एक अपनी दलील है, एक अपना झंडा है, एक अपनी सोच है, एक अपना कटाव है, बहाव है। हर कोई अपने झंडे के नीचे मुत्तहिद है। काश के हम सब किसी एक झंडे के नीचे मुत्तहिद हो जाएं तो क्या ही अच्छा हो जाए। शुक्रिया बशारत अली साहब, शुक्रिया वकार, ये जो इतनी मोहब्बत आप लोग कर रहे हैं, ये जो इतनी चाहत आप देते हैं, ये जो इतने कमेंट्स आप करते हैं, यकीन कीजिए जब मैं ऑफलाइन जाता हूँ फिर पढ़ता हूँ तो यही वो जज्बा है जो मुझे वापस ले आता है कोई बात कहने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए। जानते हो मोहब्बत क्या है? जानते हो मोहब्बत क्या है? हर उस बात को नजरअंदाज करना जिससे ताल्लुक टूट जाने का अंदेशा हो। जानते हो मोहब्बत क्या है? हर उस बात को नजरअंदाज करना जिससे ताल्लुक टूट जाने का अंदेशा हो। तो अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी ना लगे तो उसे किसी अंदेशे में मत ले जाइएगा, ऐसा ना हो कि मोहब्बत ना रहे। बरसों पुरानी दोस्ती, बरसों पुराने सिलसिले, बरसों पुरानी कुर्बतें, बरसों पुरानी दोस्ती, बरसों पुराने सिलसिले, बरसों पुरानी कुर्बतें सिर्फ एक पल में, एक लम्हे में खत्म हुए। सिर्फ एक पल, जब उसने बंद आंखों से सोगवार लोगों में मुझे अलविदा कहा। सिर्फ एक पल, सिर्फ एक पल, जब उसने बंद आंखों से सोगवार लोगों में मुझे अलविदा कहा, और मैं सोचता रह गया दोस्तों, क्या प्यार सिर्फ सांसों का मोहताज है? और मैं सोचता रह गया, क्या प्यार सिर्फ सांसों का मोहताज है? बरसों पुरानी दोस्ती, बरसों पुराने सिलसिले, बरसों पुरानी कुर्बतें सिर्फ एक लम्हे में, एक पल में खत्म हुए। बारिशों के मौसम में जब तुम्हें मैं याद आऊं, बारिशों के मौसम में जब तुम्हें मैं याद आऊं, अपनी आंख की बारिश आसमां की बारिश से एक रंग कर देना। बारिशों के मौसम में जब तुम्हें मैं याद आऊं, अपनी आंख की बारिश आसमां की बारिश से एक रंग कर देना, और ये गुमा करना कोई और दीवाना ऐसा ही अमल करके तुमको याद करता।
हसीन यादों को खुद से ना जुदा करना, वरना कोई दीवाना अपनी जान से जाएगा, लौट कर ना आएगा बारिशों के मौसम में। जब तुम्हें मैं याद आऊं, जब तुम्हें मैं याद आऊं। शुक्रिया नदीम, शुक्रिया शकील खान। दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब भी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब भी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। जब भी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। वो लोग आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकते जिनके लिए आप हमेशा दस्तयाब रहते हैं। दो किस्म के लोगों से हमेशा बच के रहो, एक मसरूफ और दूसरे मगरूर, क्योंकि मगरूर लोग अपनी मर्जी से और मसरूफ लोग अपने मतलब से याद करते हैं। क्या कहते हो दोस्तों? सबर दो तरह का होता है, एक नागवार बातों पर सबर और दूसरा पसंदीदा चीजों से सबर। इंसान उम्मीदों से बंधा हुआ एक परिंदा है दोस्तों, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। जब मैं आया तो अकेला था, गिना था तुमने। जब मैं आया तो अकेला था, गिना था तुमने। आज हर समत मेरे चाहने वाले गिन लो। मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शुक्रिया आजिम खान, शुक्रिया वकार अंसार, शुक्रिया जाहिदा अजीज। नीच फितरत इंसान जहरीले सांप जैसा होता है दोस्तों, नीच फितरत इंसान जहरीले सांप जैसा होता है, माजरत कर भी ले तब भी डसता जरूर है। नीच फितरत इंसान जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है, वो आप आकर आपसे माजरत कर भी ले तब भी डसता जरूर है। असली मौत तो तब होती है जब इंसान अपने पसंदीदा इंसान के दिल से निकल जाता है। हकीकत में इंसान उस वक्त मर जाता है दोस्तों, जब वो अपने पसंदीदा मोहब्बत करने वाले चाहने वाले के दिल से निकल जाता है। किसी के दिल से निकल जाना मौत है और किसी के दिल में रहना जिंदगी है। जाती रात के इस आखिरी पहर, जबकि पाकिस्तान में यह रात का आखिरी पहर है और पूरी दुनिया से आप इस वक्त बराह रास मेरे साथ इस महफिल, इस संगत, इस जुड़त का हिस्सा है। खुदा करे कि हम एक दूसरे के दिल में रहना सीख जाएं। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही अच्छा होना। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है, मगर जब आजमाया तो पता चला दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है दोस्तों, दुनिया प्यार और दोस्ती से नहीं चलती। खुशनसीब हैं वो लोग जो दुनिया को प्यार से जीतने का हुनर जानते हैं, और बदनसीब हैं वो लोग जिनमें मोहब्बत करने की गुंजाइश नहीं होती, जो किसी को सराह नहीं सकते। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर मेरी कोई बात आपके दिल को छू रही है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी आवाज पहुंच सके।
फेसबुक पर बहुत कुछ है ज़िया करने के लिए, ज़ाया करने के लिए, वक्त को ख़राब करने के लिए, मगर उसमें से अगर चंद लम्हे, चंद लफ्ज़ ज़िंदा रहने के लिए बच जाएं, तो ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। शुक्रिया उस्मान मकसूद, शुक्रिया साद, शुक्रिया मुजफ्फर आपके इन फूलों का। ऐ फूल मेरे फूल को ये फूल दे देना, कहना कि तेरे फूल ने ये फूल भेजा है। चिड़िया बोली, एक कहानी सुनाता हूं आप सबको, मोहब्बत करने वालों को एक कहानी सुनाता हूं। चिड़िया चिड़े से बोली, तुम मुझे छोड़कर कहीं चले तो नहीं जाओगे, तुम मुझे छोड़कर कहीं उड़ तो नहीं जाओगे। तो चिड़ा बोला, अगर उड़ जाऊंगा तो तुम मुझे पकड़ लेना। तो चिड़िया बोली, मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूं, मगर फिर भी पा तो नहीं सकती ना। तो चिड़ा बोला, ऐसा क्या? और उसने अपने सारे पर काट लिए और चिड़िया से बोला, देखो अब तो मेरे पर ही नहीं है, अब तो मैं उड़ ही नहीं सकता, अब तो यकीन कर लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। चिड़िया ये देखकर हंसने लगी और कुछ सोचने लगी। कुछ दिन के बाद एक तूफान आया दोस्तों। तूफान को देखकर चिड़िया अपनी जान बचाकर उड़ने लगी तो उसने चिड़े की तरफ देखा। चिड़े ने चिड़िया की तरफ देखा और बोला, तुम उड़ जाओ, तुम उड़ जाओ, तुम अपनी जान बचा को उड़ जाओ, मेरी तरफ मत देखो, मेरे तो पर ही नहीं है, तुम उड़ जाओ, मेरे तो पर ही नहीं है। चिड़िया उड़ गई दोस्तों। जब तूफान खत्म हुआ तो चिड़िया लौट कर वापस आई। उसने देखा कि चिड़ा मर चुका था, चिड़ा मर चुका था, और उसने करीब ही एक पत्थर पर लिखा था, अगर तुम तूफान आने से पहले ही मुझे छोड़कर ना जाती तो शायद मैं तूफान आने से पहले ही ना मरता। शऊर जब बिकता है तो वो जाहिलियत से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होता है। क्या कहते हो दोस्तों? शऊर जब बिकता है तो वो जाहिलियत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मोर नाचते हुए भी रोता है और हंस मरते हुए भी गाता है, दुख वाली रात को सोया नहीं जाता और खुशी वाली रात को खुशी सोने नहीं देती। शुक्रिया समीना राहत, शुक्रिया गुलाम शहजाद, शुक्रिया हसन अली आपके इन फूलों का। मैंने कुछ गरीब लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके पास पैसों के सिवा और कुछ नहीं होता दोस्तों। मैंने कुछ गरीब लोग ऐसे भी देखे हैं, मैंने कुछ गरीब लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके पास सवाए पैसों के और कुछ नहीं होता। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब भी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। रोटी कपड़ा और मकान की तलाश में रिज़्क़ की खातिर हिजरत करने वाले परदेसियों को मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ। वतन से बाहर मुल्क से दूर रहकर भी अपने देश से इश्क करने वाले परदेसियों को जियानु कहना चाहता हूँ। अपनों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर हिजरत करने वाले दूर देशों में रहने वाले परदेसी परिंदों को वेलकम कहना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि आप कहाँ कहाँ से इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरे परदेसी भाइयों और बहनों, खुदा हर परिंदे को रिज्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता, बल्कि वो रिज्क हासिल करने के लिए परिंदे को खुद कोशिश करनी पड़ती है। तो आप जो खुद कोशिश करके अपना रिज्क तलाश करने के लिए पूरी दुनिया में बिखरे हुए मेरे पाकिस्तानी बहन भाई जो पूरी दुनिया में इस वक्त मेरे साथ, इस वक्त मेरी इस लाइव सेशन का हिस्सा हैं, शुक्रिया नदीम राजा साहब आपके ये अल्फाज, शुक्रिया तारिक नवीद साहब, शुक्रिया राना सुल्तान साहब बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मुनव्वर साहब, ये आप दोस्तों के वो अल्फाज और मोहब्बत और कमेंट्स हैं। ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पाकिस्तान की आवाज़ बना दीजिएगा मुझे। आइए रंजिशों की जुल्मत में हम मोहब्बत से रोशनी कर दें, आइए रंजिशों की जुल्मत में हम मोहब्बत से रोशनी कर दें। इंग्लैंड से हैं हमारे, मिकी इंग्लैंड से हैं जी, यासिर दुबई से हैं, वाह यार शुक्रिया दुबई, शाहिद भी दुबई से हैं।
آنکھوں میں کوئی خواب ہے یا خواب کا اثر ان ظلمتوں کے صبحوں کے آثار ہیں بہت ان ظلمتوں میں صبحوں کے آثار ہیں بہت شکریہ اے ڈی باجوا صاحب یو ایس اے سے محبت کی اسیری سے رہائی مانگتے رہنا محبت کی اسیری سے رہائی مانگتے رہنا بہت آسان نہیں ہوتا جدائی مانگتے رہنا محبت کی اسیری سے رہائی مانگتے رہنا بہت آسان نہیں ہوتا جدائی مانگتے رہنا ذرا سا عشق